हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, और केमिकल काइनेटिक्स का ये है लेक्चर नंबर 14। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, और ये है केमिकल काइनेटिक्स का लास्ट टॉपिक, राइट? ये है केमिकल काइनेटिक्स का लास्ट टॉपिक। इसके बाद हम लोग एक नई जर्नी स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने ऑलमोस्ट 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। हमारा केमिकल काइनेटिक्स हो गया, हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स हो गया, अमाइंस हो गया है, सरफेस केमिस्ट्री हो गया है। अब पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स तो होने ही हैं। अगर आपको ये सोचता है कि एग्ज़ाम्स नहीं होने हैं, तो एग्ज़ाम्स आपके होने हैं, प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका, विच इज़ आर सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है आपका। डालिए हेडिंग सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट? देखिए, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक रिएक्शन ली। देखिए क्या हम लोगों ने रिएक्शन ली, CH3COO C2H5 when react with water, that is our H2O, what it is giving, it is giving CH3COOH plus C2H5OH। ये बहुत ही फेमिलियर रिएक्शन है, सभी को ये पता होगा। ये क्या है, दिस इज आर हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। सभी को पता है ये क्या है हमारा, ये है आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। ये क्या है हमारा, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, आपसे कह दिया गया है ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। क्या कहा गया है आपसे, कि ये आपकी एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो आप इसका रेट कैसे लिखोगे, रेट इज इक्वल्स टू के CH3COOC2H5 की पावर 1, राइट? और क्या लिखोगे, वाटर की पावर 1, राइट? तो इसका आपको ऑर्डर क्या मिल रहा है, आपको इसका ऑर्डर मिल रहा है 2, राइट? ऑर्डर क्या है आपका, 2। अगर हम लोग इसकी मॉलिक्यूलैरिटी की बात करें, मॉलिक्यूलैरिटी भी आपको क्या मिल रही है, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी भी 2 मिल रही है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है, ध्यान दीजिएगा। ये जो आपका वाटर है, ये जो आपका H2O है, ये एक्ट कर रहा है आपका सॉल्वेंट की तरह। वाटर आपका क्या है, सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है। और ये क्या है, ये है एक्सेस ऑफ क्वांटिटी में। किसका एक्सेस ऑफ क्वांटिटी में है, मतलब ये जो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर है, ये वाटर में ही हो रहा है। तो ये क्या होता है, ये एक्सेस क्वांटिटी में लिया जाता है वाटर आपका, ठीक है। तो क्या होता है, जो चीज़ आपके रिएक्टेंट में एक्सेस में ली जाती है, उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं किस में, आपके रेट के एक्सप्रेशन में। तो आपका एक्चुअल रेट क्या होगा, देखिए एक्चुअल रेट आपका होगा के डैश, राइट, CH3COOC2H5 की पावर 1। ये है आपका एक्चुअल रेट, वेयर के डैश इज इक्वल्स टू के H2O की पावर 1। देखिए, जो भी चीज़ आपकी एक्सेस में होती है, उसको हम लोग रेट लॉ में नहीं लेते हैं, इसलिए हम लोगों ने क्या लगाया, के डैश लगाया। और इसका ऑर्डर क्या हो गया है, अब इसका ऑर्डर हो गया है 1। लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, मॉलिक्यूलैरिटी अभी भी आपकी क्या है, 2 ही रहेगी। ये है आपकी क्या, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपको लगेगा ऑर्डर 2 है, लेकिन कुछ क्वांटिटीज़ एक्सेस में ली जाती हैं, जिनको हम रेट एक्सप्रेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं, इस वजह से वो क्या हो जाती हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाती है। मॉलिक्यूलैरिटी आपकी उतनी ही रहती है। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, हमेशा सेम रहती है, किसके लिए, आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, राइट? लेकिन यहाँ आपको क्या, एक केस ऐसा मिल रहा है जहाँ ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी सेम नहीं है। वो कौन सा केस है आपका, है सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ये आपका एक एग्जांपल हो गया। एक दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, विच इज़ आर इन्वर्जन ऑफ शुगर, इन्वर्जन ऑफ शुगर, राइट? देखिए, इन्वर्जन ऑफ शुगर में क्या होगा, C12H22O11 प्लस वाटर क्या देगा, ये आपको देगा C6H12O6, राइट? फिर आपको क्या मिलेगा, C6H12O6
OH6, आपको एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक लीवो रोटेटरी कंपाउंड मिलेंगे, ठीक है। देखिए फिर आप क्या करोगे, इसका रेट लिखोगे। तो देखिए रेट क्या होगा, इसका रेट आप लिखोगे, रेट आपका होगा K C12H22O11 की पावर वन, और वाटर की पावर भी क्या लिखोगे आप, वन लिखोगे। लेकिन यहाँ भी वाटर क्या है, एक एक्सेस क्वांटिटी में है, वाटर को हम लोग रेट एक्सप्रेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसका एक्चुअल रेट क्या होगा, इसका एक्चुअल रेट होगा K C12H22O11 की पावर वन। ये क्या हो गया, ये है इसका एक्चुअल रेट, राइट। इसका ऑर्डर हमें क्या लग रहा था, इसका ऑर्डर होगा 2, लग रहा था कि 2 होगा, लेकिन ऑर्डर 2 नहीं है, इसका ऑर्डर है सिर्फ और सिर्फ 1। लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी क्या है इसकी, मॉलिक्यूलैरिटी इसकी अभी भी क्या है, 2 है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे और क्या करेंगे, आपका प्रोडक्ट फॉर्म होएगा। सभी को समझ में आया, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसमें आपको लगता है कि ऑर्डर 2 होगा, लेकिन ऑर्डर क्या निकलता है आपका, 1 निकलता है, क्योंकि एक जो क्वांटिटी होती है रिएक्टेंट की, वो आप किस में ले लेते हो, वो सॉल्वेंट की तरह बिहेव करती है, या फिर कहें वो आप एक्सेस में ले लेते हो, इस वजह से उसको आप रेट पे लॉ में नहीं लेते हो, उसका जो रेट है वो कॉन्स्टेंट की तरह आप ट्रीट करते हो, ठीक है। तो एक और आपका बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, विच इज़ डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हेडिंग लगाइए डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर। ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी में डिफरेंस क्या है, कई बार आपसे 2 मार्क्स में पूछता है, तो देखिए हम लोग भी देख लेते हैं। देखिए जो आपकी मॉलिक्यूलैरिटी है, ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ये कैसा कॉन्सेप्ट है, ये है आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। लेकिन ये जो आपका ऑर्डर है, ये क्या है, ये है एक एक्सपेरिमेंटल डेटा। ये क्या है, ये है एक एक्सपेरिमेंटल डेटा। आप एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करोगे तभी आपको ऑर्डर मिलेंगे, लेकिन जो मॉलिक्यूलैरिटी है, ये क्या है, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ये आपका हो गया फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस ध्यान से देखिए, सेकंड डिफरेंस है, ये जो आपकी मॉलिक्यूलैरिटी है, ये सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइंड है। एलिमेंट्री रिएक्शन की ही सिर्फ आप क्या निकाल सकते हो, मॉलिक्यूलैरिटी निकाल सकते हो। लेकिन ये जो ऑर्डर है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो चाहे एलिमेंट्री रिएक्शन हो, ये दोनों के लिए डिफाइंड हो, चाहे कोई सी भी आपकी रिएक्शन हो, एलिमेंट्री हो कॉम्प्लेक्स हो, वो दोनों के लिए डिफाइंड है। आगे देखिए, आगे थर्ड आपका डिफरेंस क्या है, कि ये जो आपकी मॉलिक्यूलैरिटी है, ये हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है, और क्या होगी, इंटीजर होगी, पॉजिटिव होगी और इंटीजर होगी। लेकिन जो आपका ऑर्डर है, ये कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, इवन कहें हम लोग ज़ीरो भी हो सकता है। ये क्या है आपका मॉलिक्यूलैरिटी ऑर्डर, ठीक है। फिर अगर हम लोग चौथे डिफरेंस की बात करें, देखिए फोर्थ डिफरेंस ध्यान से सभी लोग, और लास्ट डिफरेंस है, कि ये जो आपकी मॉलिक्यूलैरिटी है, ये कभी 3 से बड़ी नहीं हो सकती है, नेवर ग्रेटर देन 3। क्योंकि हम लोगों ने आपको बताया था कि 3 मॉलिक्यूल से बड़ा कोलिजन होना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब 3 मॉलिक्यूल्स आएंगे, 4 मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जांपल आने हैं, आपस में कोलिजन होना है, और वो भी साइमल्टेनियसली और इफ़ेक्टिव भी होना चाहिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। इसलिए मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा 3 ही रहती है, इससे बड़ी कभी नहीं होती। लेकिन जो आपका ऑर्डर होता है, वो 3 से बड़ा भी हो सकता है, इवन 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, सब तरीके का हो सकता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी। तो इस वीडियो में इतना ही, ये था लास्ट लेक्चर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। अब आपकी ड्यूटी है, अब आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, डाउट पूछने हैं, कमेंट्स में डाउट पूछिए, मैं ज़रूर आपको आंसर दूंगी। तो वीडियोज़ अच्छे लगे हों तो चैनल करिएगा सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिएगा लाइक। टिल देन बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नई जर्नी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, विच इज़ आर ग्रुप 15 एलिमेंट्स, राइट। पी ब्लॉक पढ़ेंगे हम लोग, बहुत ही लेंथी चैप्टर है, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो पहले प्री ब्लॉक कंप्लीट करा देते हैं, उसके बाद हम लोग और चैप्टर्स को प्रोसीड करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।